लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कैसे हो मनोज? ठीक हूँ। डॉक्टर क्या कहता है और कितने दिन लगेंगे? 15-20 दिन और उसके बाद फिर। अरे मुंह क्यों ढीला कर रहा है? 15-20 दिन बहुत होते हैं। 15-20 दिन में हम फांसी नहीं लगने देंगे। ले जाएंगे तुम्हें निकाल के यहाँ से। मेरे मम्मी पापा का कुछ पता लगा? जल्दी लग जाएगा। पता नहीं वो कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। घबराइए नहीं श्रीमती जी, हम आपके लिए बहुत अच्छी खबर लाए हैं। एक नहीं दो। पहली खबर ये कि आपका बेटा मनोहर अभी जिंदा है। उसे फांसी नहीं लगी क्योंकि उसका पैर टूट गया था। अब ठीक है, अस्पताल में है। और दूसरी अच्छी खबर ये है कि हमने एक बहुत बड़े डॉक्टर का पता लगा लिया है जो दिमाग का इलाज करता है। और वो यही आकर आपके पति का इलाज करेगा जिससे उनकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाएगी। और उसके बाद वो हमें सोने का पता बता देगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। वो तुम लोगों को सोने का पता कभी नहीं बताएंगे। ओहो, कुत्ते की दुम साल बार बाद भी नली से बाहर निकालो तो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। लेकिन मैं सीधी कर दूंगा। चलो। अरे भाई सोनल, ये डॉक्टर इसकी याददाश्त तो वापस ले आएगा ना? अरे घबराने की बात नहीं धनीराम जी, बहुत तेज डॉक्टर है और ये केस तो उसके बाएं हाथ का खेल है। अच्छा, लेकिन ये दिनेश कहाँ है? आता। इंस्पेक्टर ईमानदार तो अपने जाल में फंस गया, लेकिन दिनेश लाल और धनी लाल अभी तक हमारे हाथ में नहीं आए। तो जनाब क्या करना चाहिए? देखो विजय, मनोहर के जेल वापस जाने से पहले हमें कुछ ना कुछ करना होगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ। ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि उनके घर में धूम धड़ाका हो जाए। गुरु, तेरा बेड़ा गरक हो गया, तेरी नाक कट गई, तू जमाने को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। अब क्या हुआ है? राजा ने रानी को क्या किया है? रानी को? राजा ने रानी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है और इस वक्त दोनों हाथ में हाथ डालकर धक धनाधन धक धनाधन कर रहे हैं। कहाँ है वो? इस वक्त वो पैराडाइज क्लब में है। रानी, ये क्या बेशर्मी है? ये बेशर्मी नहीं है, दो दिलों का मिलन है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार? और एक थर्ड क्लास आदमी के साथ? शाही खानदान और कहा सारा सड़क चाहिए। शाही खानदान के चश्मे चिराग को अपनी सड़ी और गंदी जबान से सड़क छाप कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कुत्ते? जबान संभाल कर मिलिए। मेरे जाति मामलों में दखल देने का आपको कोई हक नहीं, चले जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं अभी जाकर तुम्हारे डैडी को सब कुछ बताता हूँ कि खुले हम इश्क कर रही थी। तू जो करना है कर लो, मैं किसी से नहीं डरती। ये झूठ बोलते हैं, वो कोई मामूली आदमी नहीं है, वो राजा है। राजा? राजा कहाँ का राजा है वो? मुझसे क्या पूछते हैं, उन्हीं से पूछ लीजिए, लेकिन शादी मैं राजा से ही करूंगी। ओहो ठीक है बेटी, ठीक है, उस राजा से कहो कि मुझसे आकर मिले, लेकिन अगर वो राजा नहीं हुआ तो मैं उससे तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। ठीक है। अच्छा हुआ तुम आ गए। अरे क्या बात है, आज तो बड़ी तैयारी में हो। तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अच्छा, तो लोग भी तैयार हैं? क्या कर रहे हो, तुम्हारा होने वाला जवाई और उसका दोस्त आया है। कौन जवाई, किसका दोस्त? अजी वही, आपके सीबीआई वाले। क्या हुआ? कहाँ है वो लोग? ऊपर बैठे हैं। हम दोनों किस तरह देखकर आपके मम्मी डैडी बुरा तो नहीं मानेंगे? माँ ने तुम्हारे बारे में बता दिया है और वैसे भी वो मॉडर्न ख्याल के हैं। तुम आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? आपकी उम्र बहुत लंबी है, हम लोग आदि के बारे में बात कर रहे थे। जी, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और शादी कह रहा था। ये दोनों शादी करना चाहते हैं और मैं आपसे इनके रिश्ते की बात करने आया। देखो मैम, बड़ों को शादी की बात करने दो, हम दोनों बेडरूम में बैठते हैं। टाटा डैडी, टाटा मम्मी, टाटा। अरे तू क्या उंगलियां हिला रही, जान के पीछे। बेटी सुनो,
साले चोर लुचे बदमाश, मैं तुमको जान से मार डालूंगा। इंस्पेक्टर साहब पहले आप बैठे तो सही। अरे आप बैठे तो सही, बैठिए बैठिए। क्या अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये देखो ये क्या, तुम और रानी? हाँ हम दोनों एक दूसरे को बेहद जानते हैं। वो समझती है कि मैं खंडरपुर रियासत का शहजादा हूँ और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। सेठ धनीलाल जी इसी सिलसिले में कल सुबह मुझसे मिलना चाहते हैं। तुम्हें वहाँ आकर मेरे शहजादा होने की गवाही देनी पड़ेगी। मुझे? हाँ। अरे इंस्पेक्टर बैठो। अरे क्या बैठूं, तुम खुद तुम्हारे साथ मुझे भी मरवाओगे। पहले मेरी बात पूरी तरह सुनो। रानी से शादी करके मैं सेठ धनीलाल की सारी जायदाद का मालिक बन जाऊंगा, उसमें से एक चौथाई समय तुम्हें दे दूंगा। एक चौथाई मतलब 25% मुझे मंजूर है। मगर अब क्या हुआ? एक मिनट, पहले इस विजय के बच्चे से कहो शीला से दूर रहे। अरे इंस्पेक्टर ईमानदार साहब, अगर ये प्लान कामयाब हो गया तो विजय को भी एक चौथाई हिस्सा मिलेगा इसमें से। एक चौथाई विजय को? हाँ, और फिर शीला से शादी करके वो आपका घर जवाई बन जाएगा। मतलब उसके हिस्से का भी एक चौथाई मेरे घर में मुझे मंजूर है। राजा आ गए। आइए, ये मेरे डैडी हैं। वेलकम राजा साहब, वेलकम। हेलो, आइए इनसे मिलिए। मिस्टर सोहनलाल मेरे पार्टनर। नाइस टू मीट यू। और ये मेरे छोटे भाई मिस्टर दिनेश। लगता है मैं आपसे पहले भी कहीं मिल चुका हूँ। नहीं नहीं, अब मैंने तो आपको पहली बार देखा है। चलिए चलिए। वाह वाह वाह, आपका घर तो बहुत बड़ा और शानदार है। जी शुक्रिया। जब रियासत में खत्म हुई थी तो मैंने एक महाराजा से खरीद लिया था। तशरीफ रखिए। जी बैठिए। क्या पीजिएगा आप? कुछ नहीं। नमस्ते सेठ जी। आओ ईमानदार, कैसे आना हुआ? वो दिवाली आ रही थी, मैंने सोचा आपके दर्शन कर लूं। अरे राजा साहब, आप यहाँ इस घर में? अरे ईमानदार, तुम इन्हें जानते हो? अरे आप कैसी बात करते हैं, मैं इन्हें कैसे जानता हूँ? इन्हें कौन नहीं जानता? आप रियासत खंडरपुर के शाही खानदान के आखिरी चश्मों चिराग हैं। इन्हीं के माता पिता ने मेरी परवरिश की थी। वो क्या, पार्टीशन के बाद मैं यहाँ आ गया। महारानी और महाराज जो है वो लंदन चले गए, वहां जाके बहुत बड़े बैंकर बन गए। और आज जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ ना, वो आप ही की मेहरबानी का नतीजा है। और राजा साहब, आप लंदन से कब आए? और आए तो कम से कम मुझे पुलिस स्टेशन में खबर तो करनी चाहिए थी। पुलिस स्टेशन क्यों भाई? सिक्योरिटी के लिए। इतने बड़े रईस आदमी कभी किसी ने किडनैप कर लिया तो सारी दुनिया में हंगामा मच जाएगा। ये तो जिस शहर में जाते हैं पहले ही पुलिस स्टेशन वालों को खबर कर दी जाती है। और कभी आपने इनका घर देखा? ये ऊंची ऊंची दीवारें, इतना बड़ा दरवाजा, और दरवाजे के बाहर दो दो डंडे वाले सिपाही खड़े रहते हैं। साहब इनसे मिलने के लिए तो बाकायदा अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, नहीं तो नहीं मिल सकते। हाँ, और इतना सख्त पहरा होता है कि हम मजारे को अंदर से बाहर चला जाए, मेरा मतलब बाहर से कोई अंदर आ जाए। अच्छा, आपका घर तो पूरा किला लगता है राजा साहब। जी हाँ, उसे सरकारी किला ही समझ लीजिए। रियासत छिन गई मगर वो पुरानी शान और शौकत अब तक बाकी है। सुबह शाम चार पांच आदमी तो साथ में लगे ही रहते हैं, और जब भी खाना खाते तो अकेले नहीं, 200 आदमी साथ में होते हैं। 200? हाँ 200। रोज 200 लोग? जी हाँ, दोनों वक्त लाइन में खड़े होकर भूसे खाते हैं, नहीं बूफे खाते हैं। ईमानदार ईमानदार, तुम्हें शर्मिंदा कर रहे हो? नहीं, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है राजा साहब, सच तो सच ही होता है। देखिए ना, कहाँ ये सुदामा, कहाँ ये कृष्ण, कहाँ ये राजा, कहाँ ये रंग, कहाँ ये शाही खानदान, कहाँ ये पीकदान, मतलब मैं मुझे एक बात का ताज्जुब होता है कि आप यहाँ तक पहुंचे कैसे। ये मेरे होने वाले जवाई है, रानी बिटिया के होने वाले पति। ये कैसे हो सकता है? क्यों, आपने महाराज से आज्ञा ले ली? आप तो उनके गुस्से को जानते हैं। एक बार इनके बड़े भाई ने एक भिखारी की बेटी से रिश्ता जोड़ लिया था। महाराज ने गुस्से में आकर उस लड़की को और भिखारी को दोनों को गोली मार दी। क्या ईमानदार, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं रानी से प्यार करता हूँ और शादी भी इसी से करूंगा। लेकिन राजा साहब, ये तो सोचिए महाराज क्या कहेंगे। और मैंने ये भी फैसला कर लिया है कि मैं शादी पहले करूंगा और महाराज को बाद में बताऊंगा। तो फिर वहां से कोई नहीं आएगा शादी? मत आने दो। और ईमानदार, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि अपनी जबान बंद रखना, वरना तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। नहीं नहीं, मैंने तो आपका बहुत नमक खाया, मेरे मुंह पे ताला। सेठ जी, आप शादी की तैयारी कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। मैं आज ही मुहूर्त निकलवाता हूँ। हाँ।
आप लोग राजा साहब को लेके रानी पेटी को लेके आइए, राजा साहब आइए, चलिए चलिए राजा साहब। धनीलाल जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? दहेज के बारे में। जी हाँ, इसमें बात करने की क्या जरूरत है? जो कुछ है वो आप ही के तो है। फिर भी इस मामले में साफ बात करना पसंद करूंगा। बात अभी होगी और इसी वक्त होगी, वरना मैं शादी नहीं करूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप राजा साहब? ठीक बात कर रहा हूं मैं। चलिए राजा साहब, ये कोई तरीका है? आपने सारे मेहमानों के सामने मेरा अपमान कर दिया। आप जानते हैं कि रानी मेरी इकलौती बेटी है, सारी जायदाद आपको ही मिलेगी। फिर ये दहेज की बात लोगों के सामने करने की क्या जरूरत थी आपको? जरूरत थी? क्या चाहिए आपको? कितनी दौलत चाहिए? मुझे दहेज में आपकी दौलत नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? आपका बयान चाहिए। बयान? कैसा बयान? आपके भाई दिनेश लाल ने राधा के साथ बलात्कार किया, टैक्सी ड्राइवर का खून किया और उसका झूठा इल्जाम मनोहर पर लगाया। आपने, सोहन लाल ने और ईमानदार ने इस अपराध में दिनेश लाल का साथ दिया। आपको दहेज में यही बयान मुझे लिख कर देना होगा, नहीं तो मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करूंगा। बोलिए, मंजूर है? कौन हो तुम? घबराइए मत, मैं कोई पुलिस ऑफिसर नहीं हूं, कोई राजा भी नहीं हूं, मैं तो एक मामूली सा चोर हूं। जी हां, आपका बयान लेने के लिए मैंने आपकी बेटी से प्रेम किया और अब वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। अगर आपको अपनी बेटी की खुशी चाहिए तो आपको यह दहेज देना पड़ेगा, अपने चेहरे से शराफत का यह नकाब हटाना पड़ेगा। बोलिए, मंजूर है? मैं कहता हूं निकल जाओ यहां से, अब जब गोली मार दूंगा। डैडी ने शादी क्यों तोड़ दी? मैंने तुम्हारे डैडी से जो दहेज मांगा था वो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये उन्हीं से जाकर पूछो। अरे तुम बताते क्यों नहीं कि ऐसा क्या दहेज है जो तुम अपनी इकलौती बेटी की शादी में नहीं दे सकते? भाई साहब, आप चुप क्यों है? कुछ तो बताइए, आखिर उसने दहेज में मांगा क्या है? उसने दहेज में सबकी गर्दन मांगी है। वो चाहता है कि मैं ये लिख कर दूं कि तुमने राजा का रेप किया है, टैक्सी ड्राइवर का खून किया है और मनोहर पर झूठा इल्जाम लगाया है, और उस अपराध में हम सब ने तुम्हारा साथ दिया है। एक रियासत के राजकुमार को भला मनोहर में क्यों दिलचस्पी होने लगी? राजकुमार, मुझे तो यह भी शक है कि वो कोई राजकुमार है कि नहीं। वो कोई राजकुमार नहीं है, वो महज एक चोर है। इसका मतलब इंस्पेक्टर ईमानदार ने हमें धोखा दिया है। लेकिन एक चोर को राजकुमार बनाने में ईमानदार का क्या फायदा हो सकता है? तो इसलिए तुमने मुझे रानी की दौलत में से एक चौथाई देने का वादा किया था? जी हाँ, ये था हमारा फॉर्मूला 44, है ना? करेक्ट। तुम्हें चाहिए थी दौलत और हमें चाहिए था सबूत। जब तक हम तुम्हें दौलत का लालच न देते, तुम हमें सबूत के घर में कैसे घुसने देते? जनाब, हम गए हैं घुस और तुम गए हो फंस, अब वो छोड़ेंगे नहीं। बदमाशों के साथ और करो बदमाशी, अब भुगतना तो पड़ेगा ही। अरे क्या मुसीबत है, मैं दुनिया को फंसाता था, इन लोगों ने मुझे फंसा दिया। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा इंस्पेक्टर साहब, कोर्ट में जाकर अप्रूवर बन जाओ और मनोहर के बारे में सब कुछ सच सच बता दो, थोड़ी सी सजा होगी, जेल में आराम से गुजरेगी। एक तरफ जेल, दूसरी तरफ मौत, वो तीनों राक्षस आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे और हम आपको मरने नहीं देंगे।
सोच लो, सोच लो। अरे भाई सोच लो, लो सोच। अरे सोचता हूँ मेरे बाप, मैं पागल हो गया यार, मेरे भेजे का पानी बन गया। फंस गया साला। चल वक्त नहीं, जल्दी कर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सरकार की नजर में तुम्हारी इतनी इज्जत है, और ये सीधा दिल्ली से फोन आया। शायस्ते धीरे बोल, ये बात किसी को मालूम नहीं पड़नी चाहिए, अपनी बेटी शीला को भी नहीं। ये बात खाली कमिश्नर साहब को मालूम है, उन्होंने अपनी बीवी को भी नहीं बताया मालूम। अच्छा, इसलिए अगर कोई मेरे बारे में पूछे या फोन आए कि मैं कहाँ हूँ, कब आऊंगा, तो बोला मुझे कुछ नहीं मालूम। समझ गई? याद रखना इस बात को। फोन कर, फोन। हेलो, मैं दिनेश लाल बोल रहा हूँ, इंस्पेक्टर साहब है? जी नहीं, वो घर पे नहीं है। कहाँ गए? जी पता नहीं, दिल्ली से फोन आया था। कब तक आएंगे? जी पता नहीं, जरूरी काम से बाहर गए हैं, टॉप सीक्रेट है। क्या हुआ? लगता है वो इंस्पेक्टर हम लोगों को चक्कर दे रहा है, ना वो पुलिस स्टेशन में है ना घर पे है। वो धोखेबाज जहाँ भी है उसका पता लगाना बहुत जरूरी है, वो बचकर नहीं जाना चाहिए। ये है वो दहेज जो मैंने तुम्हारे पिताजी से मांगा था। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मैं इतने गिरे हुए लोगों के बीच में रह रही हूँ, और मेरे पापा ऐसे हो सकते हैं, मुझसे इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं। धोखा तो मैंने तुम्हें दिया है रानी, राजकुमार बनके तुमसे प्यार का नाटक करके, लेकिन ये नाटक करते करते मैं सचमुच तुमसे प्यार करने लगा, लेकिन मैं कोई राजा या राजकुमार नहीं, एक मामूली आदमी हूँ। तुम मामूली आदमी नहीं हो राजा, एक बेगुनाह आदमी को फांसी के फंदे से बचाने के लिए अपने आप को मुसीबत में डालने वाला मामूली आदमी कभी नहीं हो सकता। जी चाहता है कि मैं वो महल छोड़कर तुम्हारे झोपड़े में तुम्हारे साथ आकर रहने लगूं। नहीं रानी, अभी नहीं, अभी तो तुम्हें वहीं रहकर उनके खिलाफ सबूत तलाश करने होंगे। राजा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। यहां से मैं खाना नहीं खाऊंगी, पानी तक नहीं पीऊंगी, गेट आउट। अरे ये सब क्या है बेटी, क्या बात है बेटी, क्यों जिद कर रही हो? जिद मैं नहीं कर रही, आप कर रहे हैं। मैं? हाँ, राजा को दहेज देकर उससे मेरी शादी क्यों नहीं कर देते? उसे भूल जाओ बेटी, वो अच्छा आदमी नहीं है, वो मुजरिम है, 420 है, बेईमान है। अगर वो बेईमान है तो आपके दोस्त इंस्पेक्टर ईमानदार ने ये क्यों कहा कि वो राजकुमार है? क्या वो भी बेईमान है? क्या आप सब लोग बेईमान है? 420 है, चाहिए मुझे किसी से बात नहीं करनी। बेटी, भैया रानी बहुत बदतमीज हो गई है, आपके लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। मेरे लाड प्यार ने तुम्हें भी तो बिगाड़ दिया है, ये सब मुसीबत तो तुम्हारी वजह से हो रही है, ना ही मैं उसे तुम्हें दोनों से बचाता और ना ही आज मुझे अपनी बेटी के आंसू देखने पड़ते।